दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में जिसमें कंपटीशन कम हो और आप कम मेहनत के साथ जबरदस्त पैसे कमा सके, तो आपके लिए सबसे बेस्ट बिजनेस होने वाला है वेंडिंग मशीन का बिजनेस। देखिए, आप में से मैक्सिमम लोगों ने ऐसी मशीन जरूर देखी होगी जिसमें कॉइन डाला जाता है और उसके अंदर मशीन के अंदर बहुत सारे टॉयज होते हैं, तो उनमें से किसी भी एक टॉय को हम पिक करने की कोशिश कर सकते हैं। एक चीज क्लियर कर दूं, मैं आपको ये बिजनेस करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मार्केट में आपको ऐसी बहुत सारी वेंडिंग मशीन मिल जाएगी जिनके थ्रू आप अलग अलग प्रकार की चीजें बेच सकते हो। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा वेंडिंग मशीन अगर कहीं पे इंस्टॉल है तो वो देश है जापान। जापान के लोग इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो दुकानदारों से जाके बात करें। वो सिंपली क्या करते हैं, वेंडिंग मशीन में पैसे डालते हैं, सामान लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप देखेंगे आने वाले टाइम में इंडिया में भी आपको ऐसी बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहां पर अलग अलग प्रकार की वेंडिंग मशीन इंस्टॉल की जाएगी और लोग उससे सामान खरीदेंगे। तो कोई और ये बिजनेस करे उससे पहले अगर आप चाहें तो ये बिजनेस कर सकते हैं और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर मैं आपको 5 ऐसी वेंडिंग मशीन्स बताने वाला हूं जिनकी मदद से आप कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करके जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं। अब मैं अगर कहता हूं कि जबरदस्त पैसे कमा सकते हैं तो मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन वेंडिंग मशीन्स की मदद से आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उनकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। तो दोस्तों, कौन सी है वो 5 वेंडिंग मशीन, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को बस पूरा देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों, मेरा नाम रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बात कर लेते हैं और 5 वेंडिंग मशीन कौन सी है। सबसे पहली वेंडिंग मशीन है व्हीकल बैटरी वेंडिंग मशीन। देखिए दोस्तों, एक चीज तो आप जानते होंगे, आज के टाइम में हमारे देश के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं। अगर मैं आपको एक नंबर बताऊं तो लगभग 13 लाख के आसपास व्हीकल आपको हमारे देश में देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अब मैं कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूं और अचानक से मेरे व्हीकल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो उस केस में मेरे पास क्या ऑप्शन बचेगा? देखिए, उस केस में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि मैं आसपास के चार्जिंग स्टेशन में जाऊं, अपनी गाड़ी को चार्ज कराऊं और उसके बाद मैं आगे की जर्नी तय करूं। अब देखिए, इसके अंदर मुझे कम से कम आधे घंटे से लेकर एक घंटे का टाइम चाहिए तभी मेरी बैटरी चार्ज हो पाएगी। सो दोस्तों, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है बैटरी स्वैपिंग वेंडिंग मशीन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी है तो उसके अंदर बैटरी होगी, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, वो वेंडिंग मशीन के आसपास जाना है, अपनी बैटरी को निकालना है, वहां से एक दूसरी बैटरी लेनी है और अपनी बैटरी को वहां पे लगा देना है और उसके लिए जो भी चार्जेस होंगे वो आपको पे करने होंगे। तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है, जहां कहीं भी आपकी बैटरी खत्म हो जाती है उसके आसपास का ये जो वेंडिंग मशीन होगी वहां से आप बैटरी लेकर अपने आगे की जर्नी को तय कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मार्केट में तो बहुत ही अलग अलग प्रकार की कंपनीज हैं जो ईवीज बना रही है, तो उस केस में हम कौन सी वेंडिंग मशीन इंस्टॉल करें। सो दोस्तों, आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि जितने भी कंपनीज ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं वो किस प्रकार की बैटरी बनाती है, तो आपको उसी प्रकार की वेंडिंग मशीन खरीदनी होगी। और अगर वैसी वेंडिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो जो भी कंपनीज वेंडिंग मशीन बना रही है उनसे आप कस्टमाइज भी बनवा सकते हैं और उसके बाद में हमारे देश में अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको वेंडिंग मशीन 2 व्हीलर से रिलेटेड मिल जाएगी, 3 व्हीलर से रिलेटेड मिल जाएगी, 4 व्हीलर से रिलेटेड भी मिल जाएगी। सो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा किस प्रकार की वेंडिंग मशीन आप खरीदना चाहते हैं। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आप 2 व्हीलर की अगर लेने जाएंगे तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास आ जाएगी और जो 4 व्हीलर या 3 व्हीलर की आती है वो लगभग 2 लाख रुपए से लेकर 5-6 लाख रुपए के बीच में आपको मिलने वाली है। आप इंडिया मार्ट पे भी चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे जिनसे आप खरीद सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जितने भी सप्लायर्स हैं उनमें से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने चाइना से उन मशीन्स को इंपोर्ट किया होगा, तो अगर आप चाहें तो आप भी डायरेक्टली चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर उनसे भी खरीद सकते हैं। दूसरी वेंडिंग मशीन फास्ट फूड या फिर हॉट मील सर्विंग वेंडिंग मशीन। अभी एग्जैक्टली होती क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ऐसी वेंडिंग मशीन आती है जिसकी मदद से आप फास्ट फूड बनाकर कस्टमर को सर्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पिज्जा वाली वेंडिंग मशीन खरीदी तो उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आएंगे, जैसे कि मान लीजिए 4 पिज्जा का ऑप्शन है, तो कस्टमर को सिंपली वहां पे जाना है और सिलेक्ट करना है कौन सा पिज्जा वो खाना चाहता है, उसके बाद में उसको पेमेंट करना होगा, फिर 180 सेकंड के अंदर पिज्जा बनकर रेडी हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, कस्टमर उसको ले सकता है। सो दोस्तों, आप खुद सोचिए, अगर आप ऐसी वेंडिंग मशीन अलग अलग जगह पे लगा देते हैं तो आपको रेस्टोरेंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, रेस्टोरेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर खाना आपको बनाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बनाना नहीं आता, आप किसी कारीगर को हायर करते हैं तो आपका जो बिजनेस होता है वो टोटली डिपेंड होता है उस कारीगर के ऊपर, क्योंकि अगर वो अचानक छोड़ के चला गया तो आपको फिर से नया कारीगर ढूंढना पड़ेगा और उस चक्कर में आपका बिजनेस कुछ टाइम तक बंद भी हो सकता है। सो दोस्तों, उससे अच्छा बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि अगर आपके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है करने के लिए तो ये मशीन जो है वो 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए के बीच में आ जाएगी। ऐसी मशीन खरीदिए और उसके बाद में अलग अलग जगह पर इंस्टॉल कर दीजिए,
और जबरदस्त पैसे कमाइए। ऐसी मशीन आप कहां कहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आप इंस्टॉल कर सकते हैं किसी मॉल के आसपास में, या फिर किसी आईटी पार्क के आसपास में, या फिर ऐसी जगह पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं जहां पे पब्लिक का फुटफॉल ज्यादा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका सामान बिक सके। और दोस्तों, फूड बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन अच्छा मिलता है। आपको 50% से लेकर 70% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन के लिए 50% भी पकड़ लेता हूँ। और मान लीजिए आपने 5 मशीन इंस्टॉल की और हर मशीन के अंदर आपका रोजाना का सेल हो रहा है 2,000 से 3,000 रुपए का, यहाँ पे हम 3,000 रुपए पकड़ लेते हैं, तो एक मशीन से आप कमाएंगे 1,500 रुपए, तो 5 मशीन से हो जाएगा 7,500 रुपए। सो दोस्तों, इतना पोटेंशियल है इस बिजनेस से, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे आपको बना के रखने की जरूरत नहीं है, ये जो मशीन है सारी चीजों को ऑटोमेटिकली प्रिपेयर करती है और कस्टमर के सामने सर्व कर देती है। तीसरी मशीन है पेट फूड वेंडिंग मशीन। देखिए दोस्तों, आज के टाइम में आपको हमारे देश में ऐसे काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो पेट को पालना पसंद करते हैं। इसके अलावा ऐसे भी काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो पेट तो पालना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश पाल नहीं पाते। तो वो लोग क्या करते हैं, रोड के ऊपर जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियां होते हैं, जो दूसरे जानवर होते हैं, उनको वो कुछ ना कुछ खाना खिलाते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो रोड के ऊपर जो जानवर होते हैं उनको कुछ खिलाना तो चाहते हैं लेकिन पेट फूड इजीली अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से खिला नहीं पाते। सो दोस्तों, इन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है पेट फूड वेंडिंग मशीन। अगर आप चाहें तो पेट फूड वेंडिंग मशीन खरीद कर अलग अलग एरिया में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो लोग भी जो रोड के ऊपर जानवर होते हैं उनको कुछ खिलाना चाहते हैं तो सिंपली इस मशीन से खरीद कर वो खिला सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने पेट को घुमाने के लिए लेकर आते हैं तो उस टाइम पे अगर उनको फूड की जरूरत होगी तो इस वेंडिंग मशीन से खरीद के खिला सकते हैं। मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की जो मशीन है आपको 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में आसानी से मिल जाती है। और दोस्तों, पेट फूड इंडस्ट्री लगातार ग्रो करती जा रही है, तो अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ काम शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपकी भी ग्रोथ होगी होगी। इसके अलावा दोस्तों, पेट फूड के अंदर कम से कम 40% से लेकर 50% का प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो आप कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं कि अगर आपने 5 मशीन भी इंस्टॉल कर दी और हर मशीन के अंदर 2,000 रुपए का माल भी बिक रहा है, 50% का प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब हो गया 1,000 रुपया। 5 मशीन से आप रोजाना के 5,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते। और दोस्तों, 2,000 रुपया जो मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही कम फिगर है। आप खुद सोचिए, हमारे आसपास में रहने वाले कितने सारे लोग हैं जो कुत्तों को कुछ डालते हैं या फिर बिल्लियों को डालते हैं, कबूतर को डालते हैं। तो आप ऐसी वेंडिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं और जबरदस्त पैसे कमा सकते। चौथी मशीन है सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। अब दोस्तों, ये मशीन क्या काम करती है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में इतनी सारी महिलाएं, हर एक को सैनिटरी पैड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, तो इस मशीन के थ्रू हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको एक डेटा बताना चाहूंगा, हमारे देश के अंदर जितनी भी महिलाएं हैं उनमें से सिर्फ 77.6% महिलाएं ऐसी है जो सैनिटरी नैपकिन यूज करती है, और इनमें से भी सिर्फ 64% महिलाएं ऐसी है जो रेगुलर बेसिस पे सैनिटरी पैड यूज करती है। तो आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो यूज नहीं कर पाती। इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण तो ये भी होता है कि जब उनको मेडिकल शॉप में जाना होता है तो ये चीज मांगने में उनको बहुत ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है। सो दोस्तों, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसी वेंडिंग मशीन लगा सकते हैं। तो अगर किसी भी महिला को खरीदना होगा वो सिंपली वहां पे जाएगी, अगर उसको चाहिए तो पूरा पैकेट खरीद सकती है, या फिर अगर चाहिए तो पीस के हिसाब से भी खरीदा जा सकता है। और ऐसी मशीन के अंदर अलग अलग ऑप्शन होते हैं कि किसको किस साइज में चाहिए, जैसे कि अगर एल में चाहिए, एक्सएल में चाहिए, जो भी साइज में चाहिए वो ऑप्शन भी वहां पे अवेलेबल होता है। तो पेमेंट करना होता है, वहां से सैनिटरी पैड को लिया जा सकता है। और दोस्तों, ये बिजनेस भी ऐसा है, एक बार इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद में आप लाइफ लॉन्ग तक अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने 10 मशीन इंस्टॉल कर दी और हर एक मशीन के अंदर रोजाना की 100 सैनिटरी पैड भी बिक रहे हैं और एक के ऊपर अगर आपको 5 रुपए का प्रॉफिट भी होता है तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा 500 रुपए का और 10 मशीन के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 रुपए का। सो दोस्तों, अगर आप चाहें तो ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। पांचवी वेंडिंग मशीन है लॉन्ड्री वेंडिंग मशीन। दोस्तों, इस मशीन की मदद से कोई भी कस्टमर अपने कपड़ों को धुलवा सकता है। इसको आप अलग अलग कॉम्प्लेक्स में लगा सकते हैं, जैसे मेट्रो सिटीज में ऐसा होता है कि 10 बिल्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स है, 15 बिल्डिंग का एक कॉम्प्लेक्स है, तो ऐसे आप 10-12 कॉम्प्लेक्स में लगा दीजिए तो जिन भी कस्टमर्स को अपने कपड़े धुलवाने होंगे वो सिंपली यहाँ पे आएंगे और वहां से धुलवाकर ले जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लॉन्ड्री बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो होता है 40% से लेकर 100% के बीच में। अब दोस्तों, अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या ये मशीन ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगी, तो देखिए वैसे तो मशीन ऑटोमेटिकली सारा काम कर देगी, लेकिन जहां कहीं भी आप ये मशीन इंस्टॉल करने वाले हैं मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको एक आदमी वहां पर रखना चाहिए ताकि कस्टमर को अगर कोई भी तकलीफ होती है तो वो उनको हेल्प कर सके। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्राइस जानना चाह रहे हैं तो इसकी प्राइस शुरू होती है 5 लाख रुपए से और उससे ज्यादा महंगी भी आती है, तो आप अपने बजट के हिसाब से खरीद सकते हैं। और अगर हम एक रफ कैलकुलेशन करें कि इस बिजनेस से कितना कमाया जा सकता है, तो मान लीजिए आपने किसी कॉम्प्लेक्स में इंस्टॉल किया और रोजाना का आप 3,000 रुपए का बिजनेस भी कर रहे हैं और आपको ऑन एन एवरेज 50% का प्रॉफिट मार्जिन भी है, तो 1,500 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा, तो महीने का हो जाएगा लगभग 45,000 रुपए के आसपास। इसमें से आप एक एम्प्लॉय की सैलरी निकाल दीजिए और साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल निकाल दीजिए और बाकी का जो भी बचा हुआ पैसा होगा पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट होने वाला है। सो 45,000 रुपए में से अगर मैं 20,000 रुपए भी नेट प्रॉफिट पकड़ता हूं तो 10 मशीन से आप एक महीने में 2 लाख रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट
बॉक्स में लेके पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके अलावा ये जरूर बताइएगा कि इन पांचों में से आपको कौन सी वेंडिंग मशीन सबसे अच्छी लगी। इसके अलावा आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर आप ये बिजनेस नहीं करना चाह रहे, कोई और ये बिजनेस करना चाह रहा है, तो आसानी से शुरू कर पाए और अच्छे खासे पैसे कमा पाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।